मुंबई एज अ सिटी मुझे बहुत प्यारी लगती है, और आप लोग में से फिर से मैं पूछता हूँ, कितने लोग लाइफ में पहली बार स्टैंड अप देख रहे हैं लाइव? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये शो की स्टार्टिंग में इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोग को ड्रिल पता है पाजी क्या? ताड़ी भी जानी है बिल्कुल, ऐसे जोड़ के नहीं बैठना। बेस्ट लगता है मुझे, मैं मुंबई एज अ सिटी मुझे इतनी प्यारी लगती है, मैं 6 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे हर आदमी इतना कॉन्फिडेंट है, आप किसी और शहर में जाओगे आपसे दिल्ली से वहाँ करोड़पति आदमी से पूछो क्या करते हो, मौज लेते हैं भैया। आप मुंबई में पूछो किसी से क्या करते हो, मॉडल हूँ। आधा मुंबई इसी चीज़ की एक्टिंग कर रहा है कि हम एक्टर हैं। क्यों प्रज्ञा? मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऑटो में ट्रैवल कर रहा था, ऑटो वाला कहता भैया मैं एक्टिंग करता हूँ, मैंने कहा तू तो ऑटो चला रहा, कह रहा वो तो मैं हम्बल रहने के लिए चला। माता रानी कसम मैं उसको बता ही नहीं पाया कि मैं कॉमेडियन हूँ, कहता आप क्या हो, मैंने कहा सवारी हूँ, उतार दे बहन चोद। मैं बता रहा हूँ मुंबई ऐसा शहर मैंने देखा, यहाँ गड्ढे कम है एक्टर ज़्यादा है। मुझे तो लगता है यहाँ पे सुबह सुबह जो मुर्गा उठता है ना वो भी बांग में ना एक्शन ही बोलता होगा। मुदर सर आपकी बात नहीं कर रहा मैं, तो आपसे दिल्ली से हैं, काफी लोग दिल्ली से हैं, पाजी दिल्ली से हैं, दिल्ली में नहीं है इतने ट्रैफिक के रूल, आप वहाँ कभी रेड लाइट पे, आप रेड लाइट हो रखी पीछे से लौंडा गालियां देने लगता कि अब ग्रीन पे ही चलेगा क्या। बॉलीवुड मैरिजेस मैंने देखी, तुम लोग इतने गलत एग्जांपल सेट कर रखे ना बाय गॉड बॉलीवुड वालों ने। तापसी की इतनी बेहतरीन शादी थी, किसी को नहीं पता लगा कब आई कब गई, जस्ट लाइक हर फिल्म्स। मैं बहुत खुश हूँ मैं इससे, किसी को पता ही नहीं लगा, मतलब आप किसी छोड़ो भूले को ही नहीं पता लगा। यार रोज साला गाड़ी में बैठ के बैडमिंटन खेलने जाता था, आज घोड़ी पे ले जा रहे हैं। प्रज्ञा मैं बता रहा हूँ बहुत ही अलग, बहुत ही इंटेलिजेंट है, पहले इन्होंने लॉ करी और फिर ये एक्टिंग में आई। इनको पता था जब इनकी पिक्चर ऑडियंस देखेगी तो दो चार तो केस करेंगे इन पे। मैं आपको बता रहा हूँ ये वकील बनी, ऐसा नहीं कि इन्होंने एक्टिंग के लिए अपनी वकालत छोड़ी, इनको जो है जज ने कोर्ट से बाहर निकाल दिया था। ब्लैक बहुत मोनोटोनस हो रहा है, वाणी मुझे सबसे प्यारी लगती है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ आपके और मेरी बहुत तगड़ा मैच है, मेरी आपके हाइट मैच करती है, मैं 6 फुट का लौंडा हूँ, मम्मी कहती थी लंबी लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आपकी शुद्ध देसी रोमांस देखी, मैं तो प्यार में पड़ गया था उसके बाद से। मैंने मम्मी को बोला अगली पिक्चर वाणी की आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, भाई आपकी बहू है, मैं फिर उनको बेफिक्र दिखाने ले गया। आधी पिक्चर में हम लोग भागे वहाँ से कि बहुरानी दूसरे दामादों को चूम रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ग्लैमर बैठा हुआ है हमारे आगे ना, इनमें से सबसे ज्यादा सुंदर आदित्य सील है, 100% बता रहा हूँ। मैंने इस आदमी के साथ एक पिक्चर करी थी भाई, बाय गॉड एक हल्दी वाला सीन था, दुल्हन से ज्यादा सुंदर लग रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ ये आदमी, आपको नहीं पता तो ये एक चाइल्ड आर्टिस्ट रहा है। इस आदमी ने एक छोटी सी लव स्टोरी करी है जिसको नहीं पता, उसमें ये एक कपल है जो अपना एंजॉय कर रहे हैं और ये आदमी यूं बैठा हुआ। उस साल इनको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था। अगर आदित्य सील के बाद कोई लौंडा बॉलीवुड में खूबसूरत है तो फरदीन भाई है, मतलब ये नहीं मैं बता रहा हूँ आपको सर, बिकॉज क्या है ये जेनेटिक्स है आपको, जैसे फिरोज सर है क्या, मतलब एटीट्यूड पर्सनैलिटी सब कुछ बहुत तगड़ा है। अमीर आदमी को मिलता ही है अपने बाप से, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी, सब मिलेगा, गरीब आदमी को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। मैं अपने बाप से बताऊँ मेरे लिए क्या छोड़ा, कहते बीपी और शुगर। आप सोच रहे होगे कि मैंने इस लाइन में आपको या इस जोक में आपको रोस्ट नहीं किया, आपको रोस्ट नहीं दिखा, है ना, है ना, आपने भी तो इतनी पिक्चर करी, हमने पूछा कभी एक्टिंग नहीं दिखी। मैंने आपके बारे में सर्च किया तो पता लगा कि 14 साल बाद कमबैक किया इन्होंने, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। अबे आप बुलाना मुझे, अरे यार बुलाएगा कब? सॉरी सर मैं फ्लो में आ गया था, मैं अपने शो के फ्लो में आ गया, सॉरी। लेट्स वेलकम ऑन स्टेज मेरा बचपन का यार, मेरा लंगोटिया यार, मिस्टर अक्षय कुमार। इतने सारे लोगों को देख के बस सर मैं वो मुझे भूल गया, मैं वहीं खड़ा हूँ। सर मेरी भी आप वाली आदत है, ग्लैमर देख के मैं भटक जाता हूँ। अच्छा बहुत अच्छा करते हैं, लंगोटिया यार हूँ ना तेरा मेरा, ठीक है सर। लंगोट और बोल ले जो जो बोलना है बोल ले सर। लंगोटिया यार मतलब देखो, दिल्ली दिल्ली, पंजाबी पंजाबी, सेप्टेम्बर बॉर्न सेप्टेम्बर बॉर्न, इतना हक तो मेरा बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ अ डे इन लाइफ ऑफ अक्षय कुमार पूरे देश से ही अलग है। मैं बता रहा हूँ हमारी लाइफ में क्या है, हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, गर्लफ्रेंडों से बातें करते हैं, रात को एंजॉय करके सो जाते हैं। ये आदमी सुबह उठता है, आज मैं 12 माले से कूदूंगा, आज मैं 20 से कूदूंगा, आज मैं हेलीकॉप्टर पर के समुद्र पार करूंगा, आज मैं छज्जों से छलांग मारूंगा। 11 मुस्टंडों की टीम रखी हुई है, इनसे क्यों नहीं करवाते हो ये सर? मेरे पास 11 लोगों की टीम होती ना, बाय गॉड में हनीमून छोड़ के सब कुछ इनसे करवाते। 11 लौंडों की मेरे पे टीम होती, बेटा मुतने जा रहे हो मेरी तरफ से भी करके आना। मैं इनके यहाँ सुबह 9 बजे पहुंचा, मैं 9:45 उठ के 9:15 पहुंच गया था, वहां जाके पता लगा आदमी 6 घंटे से उठा हुआ है। सूरत से कंपटीशन है इनका। कर ली तूने कॉमेडी, यही सब बोल के तू इंडिया का नंबर 1 कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। ये जो कॉमेडी तू कर रहा है ना, ये रात को मैं 12 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक कर लेता हूँ। 12 से 4:30 तक आप सोते हो ना, नींद में होते हो? एग्जैक्टली नींद में ही कर लेता हूँ, नींद में कर लेता हूँ। और भाई क्या बोल रहा था तू, गलत फहमी पाल रखी है। देखो ये कहता है कि एक्टर्स कॉमेडी नहीं कर सकते, गलत फहमी तो इसे है, कहता है 5 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। 5 साल से ये कॉमेडी कर रहा था तू? नहीं, ये 5 साल से तू कॉमेडी कर रहा था? बस इतने ही लोग आते हैं तेरा शो देखने? इतने तो बेटे इतने ही आते हैं, इतने तो हमारे ना फिल्म की जो फाइट सीन्स में विलन मारता है ना, तो इतने लोग तो ऐसे ही गिर जाते बस। और बेटे जितने तेरे फैंस हैं ना, उतने मेरे घर में फैंस हैं, घूमते रहते हैं। मेरा वाला तो चलो ठीक है,
जिसने सही बताया कि मैं बिल्डिंग में कूद जाता हूँ, हेलीकॉप्टर कूद जाता हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन क्या कहता है ये आदमी, ये लौंडा क्या कहता है? कहता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। क्यों, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? अगर इस आदमी के पास गर्लफ्रेंड है ना, तो मेरी जो लास्ट 5 पिक्चर है वो ब्लॉकबस्टर थी। देखो ऐसा है कि अब हुए आप असली कॉमेडियन। कॉमेडी का पहला रूल ये कि अपने ऊपर जोक लेना था, तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, अब आप कॉमेडी सीख रहे हो। चल चल, अपने बाप को मत सिखा, चल कॉमेडी करना, बता चल बता, आगे चल। हरकतें देख लो इनकी, हैं बातें देख लो इनकी, बाप को मत सिखा, है बच्चे की जान लेगा क्या, बहन डर गई, बहन डर गई, गंदी बातें करवा लो बस। बेटा गंदी बातें ना होती ना तो तू पैदा भी ना होता। आपके चक्कर में मैं पैदा हुआ, आपके चक्कर में मेरा बचपन खराब हुआ है, हम 4 भाई बहन है। तो उसमें मेरी गलती है? नहीं, उसमें मेरी गलती है या पिताजी की गलती है? मैं बता रहा हूँ, आज मैं गल्ले पे बैठा हूँ यहाँ पे, मैं रोजी रोटी पे बैठा हूँ, जबकि मिली नहीं है मुझे। रोजी पे बड़ा बैठना चाहता तू? मैं बता रहा हूँ आपको, इतना कटा है ना, मेरी माँ ने इतना कटा है। आप पहले भाटिया थे? मतलब अभी भी हूँ, इच्छाधारी नाक थोड़ी हो जो बार बार नाम बदल लूंगा अपना। अरे मेरा मतलब, मेरी मम्मी भी पहले भाटिया थी, ये भी भाटिया थे, जब भी टीवी पे आते थे मम्मी कहती थी अक्षय कुमार तुम्हारा मामा है, तो मामा जी को नमस्ते करो। आप सोचो 4 मासूम भाई बहन टीवी की तरफ देख के हाथ जोड़ के खड़े हुए, मामा जी को घंटा मतलब नहीं, मामा जी टिप टिप बरसा है पानी, मामा जी चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, मामा मानने का मन नहीं कर रहा है। इन द नाइट नो कंट्रोल, रेखा जी के साथ मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं मामा जी। मम्मी कह रही मामा जी के पैर छुए, मैंने कहा रेखा जी छोड़े तो हम छुए, वो तो अब हमें समझ में आया जवानी में कि मामा तो हमारा कटा जा रहा था। यहाँ अमीर आदमी देखा रिश्तेदारी बनाना शुरू कर, और साला कह रहा है टीवी के सामने नमस्ते करके खड़ा होता है, 15 मिनट हो गए पैर तक नहीं छुए साले। अरे मामा जी अभी लो यार, ये पैर छू रहे, ये पैर है, पता नहीं घर में क्या सिखाया तुझे। मैंने नहीं सिखाया बेटा, जब भी कहे पैर छूने कुछ और छू के आ जाओ, कुछ कुछ तो अकल कर ले। मेरी गलती नहीं है, एमी वर्क बाजी ने बोला था अक्षय बाजी को यही मजा आता है, यही मजा आता है, ये एमी नहीं है, पहली बात है। मेरे को लगता है कि जैसे ये कॉमेडी कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं दुनिया का पहला भांजा हूं जिसका मामा बकचोद है। हैं आप लोग को नहीं लगता ये बात? तो बकचोद होना अच्छी बात होती है, नहीं लोग हंसते हैं, हैं उसको सुन की बातें हंसते हैं। आप लोगों को हंसी आ रही कि नहीं? आ रही है ना, अभी और आएगी। चलो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग आजकल ना मारने से ज्यादा है कि मुझे तो लगता है ये सुबह 4:30 बजे भी उठते इसलिए क्योंकि ये लोगों की ज्यादा मार सके, टाइम ज्यादा मिलता है ना इन लोगों को। और मारने से हमें याद आया पाजी कि आजकल इंटरनेट पे बहुत मारी जा रही है आपकी, मारी जा रही तो आजकल लोग कौन सी कोई नई बात है, मतलब लोग कह रहे हैं आजकल अक्षय पाजी इंडस्ट्री वालों की मार रहे हैं सब। हाँ बोल बोल, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आजकल अक्षय पाजी 3 पिक्चर करते हैं 4-5 और जो है अमीर होते चले जा रहे हैं, पैसा कमाते चले जा रहे हैं, ये वो। मैंने सारी बातों को नकार दिया, मैंने कहा ये सब अफवाह, कोई अमीरियत नहीं है, कोई पैसा नहीं है, मैंने इस शो के लिए आदमी से पैसा मांगा था, इस आदमी ने बोल दिया मेरे पास बजट नहीं है। मेरे लिए बजट नहीं है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बेटा, बजट भी ना हम इंसान देख के बनाते हैं समझे, और तेरे तो वो 6,000 ना आते तुझे कोई भी, तू शक्ल देख ले अपनी, 6,000 इसको कोई देगा? पाजी मैंने समझ में आएगा इसको, वो समझ में आ गया तुझे ना? अरे अभी इसका जोक जब इसके ऊपर ही पड़ेगा तब समझ में आएगा इसको। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा जोक मेरे ऊपर ही पाजी भारी पड़ जाएगा। ओ बेटे जोक मारा था इसने, ओ जोक मारा था, अबे बोलो, बेचारा पहाड़ भी चढ़ा है बिना मैगी खाए लौट के सूखा सूखा है ये आदमी, जोक मारा था इस आदमी ने। अरे मुझे क्या सूखा सूखा बोल रहे हो यार आप, ये आदमी सूखा नहीं है क्या? नहीं पार्टी मैं कैसे, मैं कैसे सूखा हुआ बता रहा हूं, बता 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 बता, आपने इतनी तेज घूरा मैं गीला हो गया। अबे बता ना, वही बता रहा हूँ, पार्टी याद नहीं करता नहीं है, नशे याद नहीं करता नहीं है, ग्रस्त जीवन में आदमी लगा हुआ है एकदम, है क्या फायदा है? दिल्ली का पंजाबियों के शराब नहीं पी रही है क्यों? दिल्ली में जो पंजाबी शराब नहीं पीते उनका क्या आधार कार्ड नहीं बनता? अबे क्या लगता है तुझे, हाँ पंजाबियों के बारे में तुझे क्या लगता है कि हम पोलियो ड्रॉप की जगह क्या वो वोडका शॉट लेते, पागल तो नहीं है तू कुछ? वैसे एक बात बताऊं, हम पंजाबियों को ऐसे लोगों ने बदनाम कर रखा कसम से, हम पंजाबी ऐसे हैं क्या? अरे खाते पीते जो कुछ है ये बस शराब पी लो तो भाई सूखा नहीं रहेगा, आदमी गीला हो जाएगा, कैसे गीला हो जाता है? मैं पीछे कहता मेरी फट रही है। अबे आगे कहने का मतलब ये है कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, मर्दों के शौक होते हैं, हम ग्रुप के लौंडे हैं, हमारे पास लाख रुपए कटा होता है, हम बैंकॉक की ट्रिप बना लेते हैं कि आज मसाजे लेंगे, आप कहाँ कर रहे हो सब? तेरी सोच ही ना बैंकॉक तक ही है बच्चे, तूने अब बैंकॉक जाना शुरू किया, अब बता मेरी तो शुरुआत ही वहां से हुई थी, मेरी तो शुरुआत वहां से हुई थी, जब तू वो हैप्पी एंडिंग ले रहा था ना, मैं तो हैप्पी स्टार्ट लिया है वहां से। अच्छा वही मैं कहूँ मेरी जो मसाज करे उसके हाथ सख्त क्यों है? बहुत मैं भी वही कहूँ, मैं ढूंढ रहा था कहाँ है कुछ मिले नहीं भाई। चल अभी अपने बारे में बता इनको। मैं पाजी कानपुर का लड़का हूँ। और अच्छा तो तू कानपुर से है? हाँ पाजी, पान मसाले के लिए फेमस है।
पान मसाले और तू खाता कि नहीं? नहीं भाई, मैंने खाना छोड़ दिया पान मसाला। वैसे लेदर बेल्ट के लिए भी फेमस है, वैसे तो कानपुर उसके लिए भी फेमस है। क्या तमंचे? अरे बच्चे की जान लोगे क्या? वो खाएगा ले ले। ये मामा है मेरा। आप एकदम ही बच्चे की जान ले रहे हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देखो, आपने मार्शल आर्ट्स कर लिया, आप कॉमेडी भी करना चाहते हो, आप एक्टिंग भी करना चाहते हो, हम लोग क्या करें आप बताओ? हम नंगे होकर जंगलों में चले जाएं? साल में 4-5 फिल्में कर रहा है आदमी, लोग रो करें, नहीं मैं तो 5 करूंगा, क्या चाहते हो आप? 4-5 यार, ये इस चीज़ से ना मैं थक गया हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों को तकलीफ क्या है। 4-5 फिल्में करने से तकलीफ क्या है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं 4-5 फिल्में कर रहा हूँ, एक आदमी मेहनत कर रहा है, हैं, इतने सारे क्रू को काम मिलता है, इतना टैक्स भरता है, देश का भला हो रहा है, फिर भी ये ऐसे लोग हैं ना, उंगली करे जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, पता नहीं क्या। छोड़ दूं काम करना, ना करूं 4-5 फिल्में, पूरा साल घर बैठा रहूं, 4-5 बच्चे पैदा कर लूं जैसे तेरे पापा ने किया था। एक बात बताओ, अगर इसके पिताजी ने 4-5 फिल्में की होती तो आज ये इकलौता होता। ये 4-5 नहीं होता, ये इकलौता होता, और सारी जायदाद इसको मिलती। अब इसके घर में कितना क्लेश होगा। जायदाद होनी भी तो चाहिए। जायदाद होनी भी तो चाहिए, सही बात है। लेकिन जो भी बच्चा कुचा है, जो भी है बच्चा कुचा। और तू क्या चाहता है? मैं 4-5 बच्चे पैदा करके तुझे आया रख लूं? आया बनेगा मेरे घर पे? नहीं नहीं पाजी, आया नहीं, उन 4-5 बच्चों में मुझे एक बच्चा रख लो आप। फिर नजर आ गई मेरे जायदाद पे, नजर आ गई इसकी। मुझे आया रखोगे आप? भाई साहब मैं बता दूं, मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इन्होंने तो वेटर से शुरू किया था, मैंने इंजीनियरिंग करी है, एमबीए करी है, ओरिजिनल डिग्रीज है मेरे पास। इस आदमी का फर्जी डिग्री है, खेल खेल में ये प्लास्टिक सर्जन बना हुआ है, प्लास्टिक की जो डिग्री लेके हैं, संतरे अनुकलिंगड़ बनाना है। बताओ कैसे बनाते हैं संतरे अनुकलिंगड़? बताओ मतलब क्या करके बताऊं? सच्ची बता रहा हूं, ऐसे ही लोग होते, मतलब मुझे ना अपना बचपन याद आ जाता है, जब मेरे माँ बाप मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाते थे, हमेशा बेटे एक काम कर, ब्रेक डांस करके दिखा। ऐसा हमेशा होता होगा, पता नहीं क्यों घर पे कोई गेस्ट आ जाए, हमारा मुजरा क्यों हो रहा है, हम पता नहीं क्यों डांस कर रहे हैं, पता नहीं अजीब अजीब चीजें करवाते थे घर वाले। अच्छा ठीक है, मत बताओ संतरे अनुकलिंगड़ कैसे बनाने, ये तो लेडीज डिपार्टमेंट हो गया, मर्दों का भी कुछ छोटा बड़ा करते हो? तूने करवाना है? नहीं तू बता, तूने करवाना है? वैसे शक्ल से लगता है इसको करवाना है, शक्ल से लगता है आज भी। अभी तू 3-4 दिन है तो करवा ले, एक बार लंबा हो जाएगा, कानपुर भी एक चीज के और के लिए फेमस हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये मामा है मेरा। सर दिल्ली आप हो? दिल्ली मैं हूँ, मानते हो? पराठे वाली गली मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन मैं पराठे वाली गली के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ, सबकी एक लव स्टोरी होती है उस टाइम की, मैं पराठे वाली के बारे में जानना चाहता हूँ उस टाइम की, जो आपकी। बेटा पराठे वाली एक होती तो बताता ना, बहुत है, अभी क्या करूँ, किसके बारे में बताऊँ? तो अभी भी बातचीत होती है आपकी उनसे या क्या सीन है? अब उन पराठों की, मतलब पराठे वालियों की छोटी छोटी पूरियाँ हो गई, अब क्या बात कर रहे हैं? तो आप क्या करते हो आप, मतलब खाली? बोलिए, अभी कविताएं पढ़ता हूँ और क्या। अरे क्या बात है, तो कविताएं पढ़ते हो तो हो जाए कुछ, आपकी जो मोहब्बत जो आपको याद है, जिससे आप प्यार करते हो, उसके लिए कोई ऐसी कविता पढ़ दो कि हम लोगों को भी पता लगे कुछ सामने। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर, ये पढ़ता रहता हूं बस। सर कविता से कुछ खास समझ नहीं आया, बट मेरे को इतना पता लग गया कि आप ये बताओ, आप इंडिया के सबसे बड़े एक्शन हीरो हैं एक बार, इसके लिए तो थंब बजा सकते डाली, सबसे बड़े। तो आपने ट्विंकल मैम को ऐसे मतलब घुटनों पे जाके प्रपोज किया था या पुशअप्स मारे थे, डंबल मारे थे? मतलब तू कॉमेडियन है तो तू गुदगुदी करके लोगों को प्रपोज करेगा, ये मुदस्सर अगर ये डायरेक्टर है तो ये एक्शन बोलकर सुहागरात शुरू कर देगा, वो कैमरा मैन है तो अपनी सुहागरात की वीडियो बना के बच्चों को दिखाएगा। अबे कुछ मतलब कॉमेडी के नाम पे कुछ बोलना है तो बोलते रहो, अबे कुछ सोच तो ले कि क्या बोलना है, कुछ तो दिमाग लगा ले कि मतलब मैं प्रपोज करूंगा तो पहले पुशअप करके प्रपोज कर रहा हूँ, ऐसा कौन करता है, हैं, कौन करता है ऐसा? आप बोलो तो मैं यूं ही खड़ा हो जाता हूँ, इसका क्या करूं मैं, पीछे सपाट लोशन है, क्या करूं उसका? वैसे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है, ये मैं मानता हूं, और आपने कभी सोचा था कि चांदनी चौक का एक लौंडा इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा? क्यों, चांदनी चौक के लोगों को क्या दिमाग लगी हुई है? बिल्कुल सोचा था, तभी तो मेहनत की थी। हमारे चांदनी चौक में तो यही सिस्टम है जी, पहले सोचते हैं उसके बाद करते हैं, सोचा था मेहनत करेंगे, ऑडिशन देंगे, बस शुरू हो गए। ऐसा थोड़ी कि तेरे को क्या लगा सुबह उठते हैं आंख खुलेगी डायरेक्टर बोलेगा रेडी एक्शन, पट पे हीरोइन आके बैठ जाएगी तो शुरू हो जाएगा सब कुछ, पागल तो नहीं है तू? अब जब कानपुर का लड़का कॉमेडियन बन सकता है तो चांदनी चौक का तो सीधे चांद पे जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? ये इतनी मेहनत करके स्टार बनने का फायदा क्या है मुझे ये बताओ? मैंने कहीं पे पढ़ा इस आदमी का खर्चा 5,000 रुपए, ये करोड़ों रुपए कहां ले जाओगे? तू एक काम कर, मेरी बुआ बन जा, बुआ बन जा मेरी, और नजर लगा ले, पता नहीं ये कॉमेडियनों को क्या है। कपिल शर्मा के भी शो पे जाता हूँ, वो भी मेरे पीछे लगा रहता है कि सर इतना कमाते हो, ये है वो है, ये भी आदमी लगा हुआ है। क्या कमाने से प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को, है तुम लोगों ने अपने बहन का रिश्ता करवाना है मेरे साथ कि मैं कितना कमा रहा हूँ? पता नहीं कॉमेडियन को पता नहीं क्या हो जाता है, बिचौले ज्यादा लगते हैं साले।
सर मुझे नहीं रहना कॉमेडियन, मैं तो वैसे भी पिक्चरें करना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैं आगे आके ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इन लोगों के साथ पिक्चर कर सकते हो तो मेरे में क्या कमी है। कोई कमी बोला वो देख तेरा दोस्त बोला शकल शकल कह रहा है उसने। अरे नहीं जोर से नहीं लगी, नहीं कोई बारी बारी नहीं, उसने फ्रंट कैमरा खोल रखा होगा। बताओ आप, आपकी प्रज्ञा को तो देख लो, लॉ पढ़ी हुई है इसने। हाँ लॉ पढ़ी है ना, इसी से लेकिन तू लॉयर नहीं बनी। यू एंटर्ड मिस इंडिया आल्सो ना, लेकिन तू मिस इंडिया भी नहीं बनी। अब एक्टिंग कर रही है। अब एक्टिंग कर रही है भाई। आगे आप समझता है। भाई तेरे को बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड मिला था ना, उसमें फिल्म फेयर में मिला था ना, तो तू एक काम कर, लाइफ टाइम अचीवमेंट सोच के रख ले अपने।